अरे मम्मी आपको पता है कल वैलेंटाइन डे है। अरे ये वैलेंटाइन डे क्या होता है? अम्मी ये वैलेंटाइन डे सिर्फ कपल्स के लिए होता है जिसमें हम लड़कियां रेड फ्रॉक पहने या रेड हो और लड़के फिर रेड ही फूल देते हैं और गिफ्ट दे जाते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे बनाने के लिए। बताओ क्या क्या आ गया इस दौर में? अरे हमारे जमाने में तो सिर्फ शादी की सालगिरह मनाते थे बस, अब पता नहीं क्या क्या आ गया है वैलेंटाइन डे। मैं भी मनाऊंगी वैलेंटाइन डे, देखना तारिक मुझे पता नहीं क्या सरप्राइज देंगे आज, मैं बताती हूँ उनको। मैं तो तैयार भी होंगी, कल रेड फ्रॉक भी पहनूंगी। अरे ये ड्रामे ना कहीं और जाके करना, जाओ चाय लेकर आओ। और हाँ तारिक को परेशान ना करो इन सब चीजों में, उस बेचारे को बहुत काम है ऑफिस का। तारिक आपको पता है कल वैलेंटाइन डे है, आप मुझे क्या सरप्राइज दोगे? अरे मैं क्या करूंगा तुम्हें सब सरप्राइज देकर, मुझे थोड़े कुछ इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, मुझे बहुत काम है ऑफिस का, मैं कुछ नहीं कर रहा ये सब चीजें। अम्मी ने कहा है ना आपको ये सब, आप उनकी बात मान क्यों रहे हैं? देखो यास्मीन, अम्मी को सब चीजों में मत लाओ, ये मेरा फैसला है। मुझे पता था आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते ना, कल सब लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, मोहल्ले में भी सब मनाएंगे और मैं मुंह देखूंगी। मैंने कहा ना मैं नहीं मनाने वाला, मतलब नहीं मनाने वाला। तारिक मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। हाँ अच्छा, बच्चे भी जा रहे हैं साथ? नहीं, मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने कहा कि उनको नहीं जाना है तो मैं अकेली ही जा रही हूँ। अच्छा ठीक है जाओ, क्योंकि मेरे का तो आज कोई काम है नहीं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग रात को वैलेंटाइन डे मनाएंगे और मैं उनके बैठ के सबका मुंह देखूंगी। क्या मतलब तुम रात तक के लिए जा रही हो? हाँ अब कल सुबह ही आऊंगी। नहीं नहीं यास्मीन, तुम अभी जाओ और थोड़ी देर बाद वापस आ जाना, फिर अम्मी का ख्याल कौन रखेगा, उन्हें दवाई कौन देगा? क्या हो गया है तारिक आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं कल से? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जल्दी जाओ जल्दी वापस आना। ठीक है आ जाऊंगी। सॉरी यास्मीन, मुझे तुमसे ऐसे बात करनी पड़ रही है, मैं जानता हूँ तुम्हें अभी बुरा लग रहा है लेकिन रात को तुम बहुत खुश होंगी, देखना मुझे मजबूरन ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है। बच्चों सारी तैयारी हो गई है ना, सब सामान आ गया है? जी जी पापा सब कुछ रेडी है, हम सजा लेंगे। रियान भाई आपको याद है वो बल्ब सबके ड्रॉ में पड़े हुए, वो चेक कर लें, अगर कुछ खराब है तो फिर ठीक करवा कर लाएं। हाँ हाँ मरियम अभी चेक कर लेता हूँ। देखा कुछ बल्ब्स खराब है, मैं अभी जाता हूँ ठीक करवा कर लेकर आता हूँ। चलो रन बेटा मैं भी साथ आता हूँ, मुझे तुम्हारी मम्मा के लिए बुके और चॉकलेट्स भी लेनी है, आ जाओ। ठीक है आप लोग जाएं, तब तक मैं और दादी सब कुछ सफाई कर लेते हैं। चलो सारा काम हो गया, अभी मैं ना केक को प्लेट में निकाल कर ले आती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं तारिक? ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। ये सब कुछ मेरे लिए है? कैसा लगा मम्मा हमारा सरप्राइज? मम्मा आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू रियान, हाँ बहुत अच्छा सरप्राइज है ये तो मेरे लिए। यास्मीन तुमने कहा था ना कि तुम्हारा वैलेंटाइन डे अच्छा नहीं जाएगा, सबसे अच्छा बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि सब लोग अभी आराम से सेलिब्रेट कर रहे होंगे लेकिन मैंने तो तुम्हें सरप्राइज दिया ही है। हाँ तारिक मुझे पता था आप मेरे लिए कुछ अलग ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच। मां जब भी हम लोग शाम को आपके साथ नहाने के लिए गए क्योंकि हमें आपको सरप्राइज देना था। एक बार फिर से आप सबको थैंक यू, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और यास्मीन केक कटिंग करते हैं। हाँ हाँ केक बहुत मजे का लग रहा है। मुझे नहीं पता था आप लोग मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देंगे, थैंक यू तारिक। अरे यास्मीन अभी तुम्हारा रियल गिफ्ट तो बाकी है। एक और गिफ्ट? अरे हाँ हाँ एंजॉय करो, खुशी का दिन है आज तो। देख रहे हो मम्मा वो गिफ्ट आपको बहुत पसंद आएगा। आओ यास्मीन मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए। मेरे लिए?
और ये चॉकलेट्स भी, ये सारी वही चॉकलेट्स हैं जो तुम्हें पसंद हैं। ये भी क्या तारीख आप भी, चले चले एक और सरप्राइज रेडी है। एक और कमाल, क्या क्या प्लान करा है आप लोगों ने, वो सब तो आपको वहीं जाके पता चलेगा, यहाँ नहीं बता सकते, दादी जान का ऑर्डर है। आओ यास्मिन। ओके, तो अब आप लोगों को गाना गाना है। गाना? अरे मुझे गाना नहीं आता। कोई बात नहीं पापा, आप गा दो, जो भी आपके दिल में मम्मा को देख के गाना आए वो गा दो, आप भी तो अच्छा गाना गाते हो। हाँ तो ठीक है, अपने ड्रीम हाउस का ही गाना गा लेते हैं। हम तुम एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ ड्रीम हाउस, हम तुम एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ ड्रीम हाउस। ये क्या बात है मम्मा, आप तो कहेंगे आपको गाना गाना नहीं आता। हाँ लेकिन इनको देख के मुझे भी आ गया, तो मैंने भी गा दिया। तो अब है पार्टी टाइम, अब हम सब लोग मिलकर डांस करेंगे। मैं म्यूजिक लगाती हूँ।